मैं हूँ प्रीति और आज बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। आपकी जो सास है वो आपके बारे में क्या सोचती है, ठीक है? यस, अभी आप पुरुष है या स्त्री है, आपकी सास तो डेफिनेटली होने वाली है, राइट? आप मैरिड है या अनमैरिड है, बट अगर आप रिलेशनशिप में है और आपकी जो सास है उसको पता है कि उनका बेटा या बेटी आपके साथ इन्वॉल्व है, तो उनके डेफिनेटली कुछ ना कुछ फीलिंग्स रहने वाले हैं आपके बारे में, ठीक है? और अगर आप जानना चाहते हैं कि वो फीलिंग्स क्या है, तो बिल्कुल सही वीडियो है कि जहाँ पर आप आ गए हैं। अब ये वीडियो पर घूमते घूमते बिना कुछ एक्सपेक्ट किए अगर आप आ गए हैं तो ये बिल्कुल सही वीडियो है, ठीक है? बट यस, इस वीडियो को आपको देखने के लिए कोई कोई आप रिलेशनशिप में होने चाहिए, राइट? सो यस, आप अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, चाहे आप कमिटेड है, नॉन कमिटेड है, शादीशुदा है, एंगेज्ड है, तो ये वीडियो आपके लिए अप्लाई करेगा, ठीक है? ये वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी सास आपके लिए क्या सोचती है। सो यस, ये अच्छा भी हो सकता है, मीडियम भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, बहुत बुरा भी हो सकता है, ठीक है? बट कोई क्या आपके लिए सोचता है, कोई क्या आपके लिए फील करता है, उसके ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। तो ज्यादा दुखी नहीं होना है, ज्यादा चिंतित नहीं होना है, टेंशन में नहीं आना है, ठीक है? जो भी है, जो है सो है, आपको बस एक क्लियर आइडिया मिले कि भाई उनकी सोच कैसी है आपके बारे में, ताकि आपको उनके साथ क्या रिश्ता मेंटेन करना है, कैसे उनके साथ, कैसे उनको हैंडल करना है, कैसे मैनेज करना है रिश्ता, वो पता चल पाए, ठीक है? सो दैट बीइंग क्लियर, चलिए कुछ इस वीडियो के बारे में आपको बता दूं। ये वीडियो टाइमलेस वीडियो है, जब कभी भी आप इस वीडियो को ओपन करते हैं आप इस वीडियो को देख पाएंगे। यस, इस वीडियो की कुछ बातें ऐसी होंगी कि जो आपके साथ रेजोनेट करेंगी, इस वीडियो की कुछ बातें ऐसी होंगी कि जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करेंगी। जो रेजोनेट करता है आपको रखना है, जो नहीं रेजोनेट करता है आपको जाने देना है, ठीक है? चलिए अब थोड़ा सा मेरे बारे में बता दूं। जी हाँ, मैं हूँ प्रीति। मैं पिछले 19 साल से भी ज़्यादा समय से मैं टैरो कार्ड रीडिंग्स प्रैक्टिस कर रही हूँ। मैंने आज तक हज़ारों लोगों को, अलग अलग देशों से हज़ारों लोगों को मैंने टैरो सिखाया हुआ है, टैरो मैंने उनके रीडिंग्स किए हुए हैं। 20 से 25 अलग अलग देशों की अपनी पहुँच हो चुकी है, ठीक है? सो दैट इज़ वॉट इज़ द बेसिक्स, ताकि आपको इसीलिए बताया, ताकि आपको पता चल सके कि आप किसके पास आप ये गाइडेंस ले रहे हैं, ठीक है? चलिए अभी शुरू करते हैं आपका रीडिंग, ठीक है? आपकी सास आपके बारे में क्या सोचती है। सबसे पहले डिवाइन को याद करते हैं, गॉड को याद करते हैं। आप जिस भी गॉड में बिलीव करते हैं, अल्लाह में बिलीव करते हैं, जीसस में बिलीव करते हैं, भगवान में बिलीव करते हैं, जो भी गॉड है आपके, उसे आपको याद करना है अभी स्टार्टिंग में, ठीक है? चलिए, डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, मेरे जो व्यूवर्स हैं उनकी सास उनके बारे में क्या सोचती है, उसके बारे में गाइडेंस दीजिए प्लीज, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं। डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, आ गया यहाँ पर इंडिकेशन। डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी सास उनके बारे में क्या सोचती है। वाओ, ओके, आउच, ओके, आउच क्यों बोला इसके बारे में बाद में बता दी, ठीक है? डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स की जो सास है उनके बारे में क्या सोचती है, उनके बारे में क्या फील करती है, मेरे व्यूअर्स की जो सास है उनके बारे में क्या फील करती है, मेरे व्यूअर्स की जो सास है वो उनके बारे में क्या फील करती है, ठीक है? मेरे व्यूअर्स की जो सास है वो उनके बारे में क्या फील करती है, वो देखते हैं। चलिए, चलिए शुरू करते हैं अभी। यस, यहाँ पर काफ़ी सारी बातें आई हैं, एंड मैंने आउच इसलिए कहा था, क्यों आउच कहा था इसका कार्ड मैं आपको देखती हूँ फिर बताती हूँ, ठीक है? आउच का कार्ड, मैंने इस कार्ड को देखकर बोला था, इसका मीनिंग मैं आपको बाद में दिखाती हूँ, ठीक है? सो ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं यहाँ पर, और ये कार्ड आपकी सास को बताता है, राइट? दिस इज द, आपकी जो सास है इसके बारे में ये इंडिकेशन है। दो तरह की सास के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है, ठीक है? अगर आपको आउच वाला फीलिंग बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग लगा, तो आपको ये वाला आपको प्रेडिक्शन आपके लिए अप्लाई करता है, ठीक है? सबसे पहले आपकी जो सास है वो काफ़ी ज़्यादा आपके बारे में सोचती है कि आपको पैसे बचाने चाहिए। हो सकता है कि ये देख रहे हैं कितने पैसे आप अपने पार्टनर पर खर्च करते हैं, कितने पैसे आप उड़ाते हैं, कितना घूमने जाते हैं, कितना पार्टी करते हैं, उसके आधार पर ये सोचते हैं कि इनको लगता है, इनको फील होता है कि आपको ज़्यादा सेव करना चाहिए, आपके पास ज़्यादा पैसे का सेविंग होना चाहिए, आपके पास ज़्यादा जमा पूंजी होनी चाहिए। नेक्स्ट थिंग, आपकी सास को लगता है कि ये फील करती है कि आप काफ़ी डोमिनेटिंग है, काफ़ी ज़्यादा हक जमाने वाले व्यक्ति है, ठीक है? काफ़ी डोमिनेटिंग है, हक जमाने वाले व्यक्ति है, और आप काफ़ी ज़्यादा दिल पे आशिक है, ऐसा भी आपकी सास को लगता है।
अब दिल के एक आशिक है, दर्शाने टाइम पर आप बहुत ज़्यादा प्यार भी दर्शा देते हैं, बहुत सारा प्यार एक्सप्रेस कर देते हैं आपके पार्टनर के प्रति, बट आपकी सास को ये भी फील होता है कि आप काफ़ी लड़ाई भी करते हैं अपने पार्टनर से। ठीक है, आप लड़ाई भी करते हैं, आप बहुत सारा प्यार भी करते हैं अपने पार्टनर को, पार्टनर पर बहुत ज़्यादा डोमिनेट भी करते हैं। ये वाला जो कार्ड है ये कहता है कि ओके, आप क्या ज़्यादा घूमते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आपने ट्रैवल किया हुआ है, या फिर आपकी सास को ऐसा कोई व्यक्ति चाहिए कि उनका उनका जो बच्चा बेटा बेटी जो भी है उसका पार्टनर अब्रॉड से होना चाहिए। शायद आपकी सास की इच्छा ऐसी हो सकती है। ठीक है, एट द सेम टाइम आपकी सास बहुत ज़्यादा जजमेंटल है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जजमेंटल है, और अगर आप सही अच्छे से रहोगे तभी आपके साथ अच्छे से रहेंगी, वरना अगर आपने थोड़ा सा भी चूंचा किया तो आपको मतलब ये आप तलवार देख सकते हैं, तलवार की धार से ये लो ये आपको उड़ा भी सकती है। ठीक है, आपको मतलब या सर कलेक्ट कर सकती है, राइट, ये भी कर सकती है। चलो, अभी अगर आपकी जो सास है वो काफ़ी, आपकी सास ऐसी कुछ है कि जो बहुत ही हाउसवाइफ रही है, घर गृहस्थी संभाले ऐसी रही है, तो उनके ये जो सास है आपके लिए क्या फील करती है वो बताती हूँ। सबसे पहले आपकी सास फील करती है कि आप काफ़ी छुपते छुपाते हुए काफ़ी चीज़ें उनसे छुपाते हो, पहली बात। दूसरी बात, आप काफ़ी छुपते छुपाते सारा काम करते हो, मतलब आप उनका बेटा या बेटी जो भी है उनके साथ आप जब घूमने जाते हैं कहाँ जा रहे हैं, कितने टाइम में वापस आएंगे, जितना टाइम 3 घंटे स्पेंड किया तो क्या क्या किया आपने 3 घंटे में, उसका शायद इनको हिसाब नहीं मिल पाता कभी भी। ऑब्वियसली अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में, आप थोड़ी ना किसी को बताएंगे कि भाई आपने किस किया या आप कहीं घूमने गए, राइट, आप कमर में हाथ डालकर, हाथ में हाथ डालकर आप अपने पार्टनर के साथ घूम रहे थे, ये थोड़े ना आप जाकर सास को बताओगे। तो इनको थोड़ा सा ये लग तो रहा है कि आप छुपते, आप कुछ तो उनसे छुपा रहे हो। ठीक है, ये इनको लग रहा है काफ़ी कुछ उनसे छुपा रहे हो, या फिर कहीं कुछ यू नो जो बातें जितनी क्लियरली बतानी चाहिए वो आप बताते नहीं हो, ये ऐसे ऐसा आपकी सास को लगता है। टेक्निकली आपकी सास के हिसाब से रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, ओके, आपका रिलेशनशिप, इनका बेटा या बेटी जिसके साथ भी रिलेशन है, इनको लगता है बहुत ही अच्छा रिलेशनशिप है, बहुत ही अच्छी शुरुआत आप दोनों ने की है। ठीक है, और इनको लगता है कि शादी तक भी आपका रिश्ता जा सकता है, अगर आप शादीशुदा है तो भी ये शादी से खुश भी है। ठीक है, एट द सेम टाइम यस, आपकी सास थोड़ा सा उसका दिल दुखता है, उनका दिल दुखता है जब यस उनको कुछ चीज़ें कुछ बातें बताई नहीं जाती, उनको जैसा उनका दिल करता है वैसा आप लोग करते नहीं हो, तब उनका दिल दुखता है। ठीक है, अब मैं इसमें नहीं बता सकती कि आप इसमें सही है कि गलत है, कि आप उनके दिल के हिसाब से नहीं चलते हो, बिकॉज एक बार यू नो लोग ग्रो अप हो जाए, बड़े हो जाए, उसके बाद सबकी खुद की मर्जी होती है, यू नो कपल्स की भी खुद की मर्जी होती है, वो अपनी लाइफ में क्या एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, और कभी कभी पेरेंट्स को लगता है अरे आपको ये करना चाहिए, आपको वो करना चाहिए, और हर वो चीज़ जो पेरेंट्स चाहते हैं वो बच्चे करना नहीं चाहते, राइट, बेटा या बेटी करना नहीं चाहते, तो उनकी मर्जी है। बट यस, जब नहीं किया जाता है तो आपकी सास का दिल डेफिनेटली दुखता है। ठीक है, उसके बाद ये है यस, आपकी सास को लगता है कि आप यू नो जाकर शराब वराब पीते हैं साथ में, शराब पीते हैं, नॉनवेज खाते हैं, आपको लगता है। ठीक, सी देर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। ठीक है, सी अब शराब की आपको बात करूँ, अगर आप छोटा सा पैग आप लेते हैं, ठीक है, लाइक 30 ml 40 ml का अगर आप पैग लेते हैं, तो साइंटिफिकली ऐसा रिसर्च भी किया गया था कि उतना हेल्थ के लिए भी अच्छा है, राइट, नॉन वेजिटेरियन फूड के लिए भी काफ़ी लोग बात बताते हैं कि हेल्थ के लिए अच्छा होता है। तो आई एम नॉट जजिंग यू, अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो, अगर आप शराब पीते हैं तो मैं आपको उसके हिसाब से जज नहीं कर रही हूँ, बट आपकी सास डेफिनेटली जज कर रही है, ये मैं बताने की कोशिश कर रही। ठीक है, सो यस, आपकी सास को डेफिनेटली लगता है कि आप एंजॉय करते हो, शराब वराब पीते हो, ये सब तो लग ही रहा है, बट उसी के साथ अगर आप दोनों साथ में खुश हैं तो आपकी सास को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आप दोनों साथ में सेलिब्रेट करने जाते हो। ठीक है, आपकी सास को लगता है कि आप दोनों का बॉन्डिंग अच्छा है, और आप दोनों को ज़्यादा और ज़्यादा बात करते रहना चाहिए, ज़्यादा आपको बॉन्डिंग करते रहना चाहिए ताकि आपका बॉन्ड और ज़्यादा गहरा बनता जाए। ठीक है, और यस, आपकी सास को ऐसा लगता है कि यस, उनका उनको जो फील होता है कि दिस विल बी लाइक, आपका जो रिलेशनशिप है आपके साथ उनका बेटा या बेटी का जो रिलेशनशिप है, दिस इज गोइंग टू बी अ गेम चेंजर, वो उनके बच्चे की लाइफ पूरी तरह से चेंज कर देगा, पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर देगा इन अ गुड वे। ठीक है, अच्छी तरह से चेंज कर देगा, और उनका जो बच्चा बच्ची जो भी है वो बहुत ही अच्छे से यू नो मतलब फ्लरिश कर पाएंगे, आपकी कंपनी में बहुत अच्छे से ये ग्रो कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें आपकी सास आपके बारे में फील करती है। ठीक है, चलो अब ये सब हमने देख लिया, और अभी हमें देखना है यस कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस की जो आपको देखना है, आपको फॉलो करना है, राइट, बिकॉज
अगर आपने देख लिया कि भाई सास आपके बारे में क्या सोचती है, सो व्हाट नेक्स्ट, अब उसके बारे में आप क्या कर सकते हैं, राइट? बिकॉज कुछ तो है कि जो यूनिवर्स को भी लगता है कि अगर आप नहीं कर रहे तो आपको करना चाहिए. ठीक है, चलिए पहले तो यूनिवर्स से कनेक्ट कर लेते हैं, आपके अब जिस भी डिवाइन शक्ति में बिलीव करते हैं उसके साथ कनेक्ट कर लेते हैं. डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, मेरे व्यूअर्स को मैसेज दीजिए कि उनको उनकी सास जो उनको उनके बारे में सोच रही है उसके रिलेटेड उनको क्या करना चाहिए, कैसा उनका रवैया होना चाहिए उनका सास के प्रति. ठीक है, चलिए. डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको क्या करना चाहिए उनकी सास के रिलेटेड. डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको अपनी सास के रिलेटेड क्या करना चाहिए. डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको अपनी सास के रिलेटेड क्या करना चाहिए. डियर गॉड, स्पिरिट गाइड्स, ओके, वी जस्ट हैव वन मैसेज हियर, वन बिग मैसेज, दैट इज डिसीजन. कोई तो डिसीजन है कि जो आपको लेना है. ठीक है, अब यहाँ पर हमने दो तरह की सास देखी, राइट? एक सास ऐसी थी कि जो बहुत ही कठोर वाली थी, उसके सामने आप थोड़ा सा भी चूचा नहीं कर सकते. अगर वो वाले आपकी सास है तो आपके जो डिसीजन है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. लाइफ में कौन से डिसीजन आप लेते हैं वो मैटर करेंगे. अगर सही डिसीजन लिया तो वो डेफिनेटली आपसे खुश होंगी. गलत डिसीजन लिए या ऐसे डिसीजन लिए जिसकी जिसकी वजह से आपकी लाइफ में थोड़ा सा भी अप्स एंड डाउन आना शुरू हुआ तो आपकी सास आपको बहुत ही कठोर तरह से जज करने वाली है. ठीक है, दैट इज़ वन थिंग. चलो, अगर आपकी सास बहुत ही वो घरेलू वाली सास है, बहुत ही अच्छी वाली सास, कि थोड़ा सा जिसको हर्ट फीलिंग होता है उसके बच्चे उससे चीज़ें छुपा रहे हैं, ठीक है, वो दूसरी वाली सास जिसकी हम बात कर रहे थे, अगर ये आपकी सास है तो भी आपको यू नो एक छोटा सा डिसीजन लेना पड़ेगा. कैसा डिसीजन लेना पड़ेगा? सी, जैसे दो मैटर उनको बहुत ही बातें इनको खलती है. जैसे कि एक चीज़ है कि आप उनसे चीज़ें छुपाते हैं, वो बात उनको खलती है. दूसरा कि आप उनके हिसाब से नहीं चलते, वो बात उनको खलती है. अब यू नो ये दोनों मैटर में आप ऐसे कुछ इस तरह से उसको डील कर सकते हैं, कुछ इतना डिप्लोमेटिकली उसके साथ डील कर सकते हैं कि उनका दिल भी ना दुखे और शायद उनको उनको ये भी फील ना हो कि उनसे चीज़ें छुपाई जा रही. जैसे कि अगर आप कहीं पर जाते हैं तो बेबी सास को बोलिए कि आप कहाँ पर जा रहे हैं और कि आप आना चाहते हैं हमारे साथ, राइट? अभी अगर आप किसी को साथ में लेकर जाते हैं तो उस व्यक्ति को भले वो साथ में ना आए बट उसको एक यू नो एक श्योरिटी मिलता है, उसको एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई इसने मुझे साथ में बुलाया, बुलाने के लिए इन्वाइट किया, भले आप साथ में वो साथ में आए नहीं बट दे आर फीलिंग कि चलो भाई ये कुछ ना कुछ मतलब कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, ये लोग हमसे कुछ छुपाना नहीं चाहते. अगर आप साथ में चले भी गए तो मतलब बहुत ही मतलब ट्रांसपेरेंटली आपके साथ बिहेव करेंगे, ऐसा उनको लगेगा. ठीक है, सो दिस इज वॉट इज गोइंग टू मेक देम फील बेटर, फिर चाहे वो आपके साथ आए या ना आए. ठीक है, और अगर वो आपके साथ आने के लिए रेडी होते हैं, राइट? बिकॉज लेट्स से कपल कहीं पर घूमने जा रहे हैं तो साथ में सास को लेकर क्या करोगे, राइट? बट एट द सेम टाइम कभी कभी रेयरली आप पांच बार घूमने जाओ, एक आध बार सास को बोलो कि आप हमारे साथ आना चाहोगे और उनको साथ में लेकर जाओ. ठीक है, सी, अब कुछ यहाँ पर लोग ऐसे हैं कि जो अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं आप सोचेंगे अच्छा लेकिन सास को मतलब सास मतलब अगर आपकी आपका पार्टनर आपकी पार्टनर जो भी है देख रहे हैं तो उनको लगे अरे मेरे मेरी मम्मी के लिए ऐसा सोचा कि मतलब साथ में नहीं लेकर जाना चाहिए. सी, दिस इज अ वेरी वेरी नॉर्मल लेवल का कॉमन सेंस है कि अगर आप कपल में अपना बॉन्डिंग बढ़ाने जा रहे हैं, अपने पार्टनर के साथ अपना बॉन्डिंग बढ़ाने जा रहे हैं, तो बेटर है कि आप दोनों में से किसी के भी माँ बाप आपके साथ ना हो, आपके बच्चे भी आपके साथ ना हो. ऐसा टाइम आपको साथ में स्पेंड करना है कि जहाँ पर सिर्फ आप दोनों हैं और दोनों एक दूसरे के साथ बात कर सके, दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके, ऐसा आपके आपको करना है. ठीक है, तो डिसीजन आपको लेना है. दूसरे लेवल की जो मम्मी है उसमें छोटे छोटे डिसीजन लेने पड़ेंगे. कुछ दिल तोड़ने वाली जो बात है, अगर यस जहाँ पर आपकी सास का दिल दुख रहा है उसको कभी कभी आप यू नो सास के हिसाब से भी कर सकते हैं. जैसे अगर आप कहीं घूमने जा रहे हैं, आपको कहीं और जाना है, आपकी सास को लगता है कि आपको कहीं और जाना चाहिए, लाइक वंस इन अ वाइल्ड आप यू नो उनका कहा भी मान सकते हैं, उनको जहाँ घुमाना है आपको वहाँ पर भी आप यू नो घूमने जा सकते हैं. ठीक है, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए वीडियो. आशा करती हूँ यू नो ये वीडियो आपकी मदद कर पाया. ठीक है, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक बटन क्लिक कीजिए, दूसरे लोगों के साथ आपके जितने भी ग्रुप्स हैं उसमें ये वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए, तो जिसको इस वीडियो की ज़रूरत होगी वो इस वीडियो को ज़रूर देख लेंगे.
ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहिए, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए इस वीडियो ने कैसे आपकी मदद की। और यस, अगर आप मुझसे रीडिंग करवाना चाहते हैं, ये सब कुछ देखने के बाद रीडिंग करवाना चाहते हैं, तो मुझे DM कर सकते हैं। पेमेंट प्री पेमेंट कर दो, उसी के बाद आपको रीडिंग मिलेगा। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन भेज दोगे तो आपको रीडिंग नहीं मिलेगा, प्री पेमेंट पहले करना पड़ेगा। एंड यस, अगर आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, टैरो सीखना चाहते हैं, प्रॉपर ऑथेंटिकली सीखना चाहते हैं, तो डेफिनेटली मेरे क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। सारी डिटेल्स मेरी वेबसाइट के ऊपर दी गई है। एंड यस, सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। अंटिल नेक्स्ट टाइम, कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस, बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीजन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।